नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। इग्नोर से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती हैं। तो आप अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपका कोई भी सवाल होता है तो उसको कमेंट के जरिए भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज जो है हम बात करने वाले इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। आज इस बार जो है इग्नू ने हर चीज़ लेट की है, आप जैसे देख ही रहे होंगे, चाहे रिजल्ट हो, असाइनमेंट्स के मार्क्स अपडेशन हो, ग्रेड कार्ड अपडेशन हो, हर चीज़ जो है वो लेट हो रही है। तो इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भी लेट ही हुआ है। इग्नू एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अब तक नहीं आया है, ठीक, जबकि अब तक आ जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म जो है अब तक नहीं आया है, तो उसके विषय में मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा कि अब आगे कब आने वाला है और किस तरह से होने वाला है। सबसे पहले जैसा कि आप इसमें देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर कि इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म जो है 25 सितंबर के बाद जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको ऑनलाइन उसका लिंक मिल जाएगा जहां पर से आप उसको भर पाएंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 25 सितंबर के बाद निश्चित तौर पर आपको इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.ignu.ac.in, आप उसको जाइए। आप चाहें तो उसको रेगुलर चेक भी कर सकते हैं, और जब इग्नू एग्ज़ाम फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा तो मेरी वीडियो में भी आपको मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक। दूसरी बात करें तो क्यों, जैसा कि एग्ज़ाम फॉर्म लेट हुआ है तो आप जानते हैं कि असाइनमेंट भरने होते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, और नॉर्मली ये होता है कि असाइनमेंट और एग्ज़ाम फॉर्म की डेट जो होती है वो एक ही होती है। जैसा कि असाइनमेंट तो अब की डेट जो है वो 30 सितंबर है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकले हैं, तो एग्ज़ाम असाइनमेंट भरने की जो डेट होगी वो एक्सटेंड की जाएगी 15 अक्टूबर तक। अगर आप पिछली बार भी आपने असाइनमेंट भरे थे 6 महीने पहले, तो आपने देखा होगा कि पिछली बार भी 31 मार्च से डेट बढ़कर जो है वो 15 अप्रैल हो गई थी, ठीक। तो इस बार भी ऐसा ही होगा और 30 सितंबर की जो डेट है वो 15 अक्टूबर तक जाएगी। और अगर लेट होता है एग्ज़ाम फॉर्म में थोड़ा सा भी, तो 30 अक्टूबर तक भी असाइनमेंट जो है विदाउट लेट फीस आप भर पाएंगे, ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर 15 अक्टूबर तक तो डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म जो है आप कम से कम 30 अक्टूबर तक भर पाएंगे। 30 अक्टूबर तक आपको पूरा चांस मिलेगा कि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म जो है भर पाए। 30 अक्टूबर तक आप एग्ज़ाम फॉर्म अपने भर पाएंगे, और उसके बाद नवंबर के आखिरी हफ्ते में, नवंबर के लास्ट वीक जो होता है उसमें आपके हॉल टिकट्स आ जाएंगे, ठीक। और आपके हॉल टिकट्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर दिसंबर के पूरे महीने में जिस तरह से एग्ज़ाम जो है चलते हैं वो चलते रहेंगे, और जैसे ही डेट शीट भी निकलेगी तो वो भी आपको मैं अपने चैनल पे जो है दे दूंगा, ठीक। तो डेट शीट भी निकलेगी, डेट शीट नॉर्मली अक्टूबर के महीने में निकल जाती है, देखते हैं कि वो कब निकलती है। इस बार अगर वो डेट शीट अक्टूबर के महीने में निकलेगी तो वो भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है चौहान वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहता था। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और जितने भी इग्नू स्टूडेंट जो आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर जो है वो वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद।